भाई और बेटे के बीच 36 का आंकड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। चाचा और भतीजे में गठबंधन अब ठंडे बस्ते में चला गया है और उस बीच मुलायम के बर्थडे मनाने की तैयारी चल रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में हवन हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन खुशी के इस मौके पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की दूरियां फिलहाल कम होती तो नजर नहीं आ रही है। हालांकि चर्चा थी कि विलय हो जाएगा, लेकिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और एक बार फिर ये चर्चा ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल विलय नहीं होगा या बात नहीं होगी, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। पार्टी दफ्तर पर अखिलेश केक काटेंगे, फिलहाल हवन चल रहा है, तस्वीरें आपके सामने। ढोल नगाड़ों के साथ 83वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव का जन्म दिवस है। इस बार जन्म दिवस के राजनैतिक मायने भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी कुनबे में साल 2016 के आखिरी में जो फूट पड़ी थी, चाचा शिवपाल सिंह यादव और भतीजे अखिलेश यादव की जो राहें जुदा हुई थी, क्या वो आज वो दोनों एक साथ हाथ थामेंगे, क्या रिश्तों में जमी जो बर्फ है वो आज पिघलेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और ऐसे में शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना रखी है, वो आज सैफई में अपने गांव में एक दंगल का आयोजन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबे समय से शिवपाल सिंह यादव की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, और इसी बीच उन्होंने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली, अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कुछ ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई। लेकिन अखिलेश यादव के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाचा का पूरा सम्मान रखा जाएगा और उनके लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा, इसके बाद आज उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी कुनबे में जो फूट पड़ी हुई है, जो रिश्तों में, जो चाचा और भतीजे में जो बर्फ जमी हुई है, वो पिघलेगी। और ऐसे में कार्यक्रम भले ही आज एक सैफई में हो रहा है, दूसरा लखनऊ में हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आज एक गठबंधन का बड़ा ऐलान हो जाए। तो तस्वीरें आपने देखी, एक तरफ मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर जश्न की तैयारी हो रही है, पूरा मुलायम कुनबा एक साथ आएगा, तो वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शिवपाल को लेकर निशाना साधते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ हैं, जो चंपा देवी पार्क में खुद मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। स्वतंत्र जी, इस राजा के आने का क्या फायदा होगा, और राजा की जो टीम बनी है, यानी र से राजनाथ सिंह, अ से अमित शाह और ज से जेपी नड्डा? देखिए, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है, और हम लोग हमेशा कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, चाहे बूथ का सम्मेलन हो, चाहे प्रदेश का किसी प्रकार के कार्यक्रम, यानी कार्यकर्ता का निर्माण की एक प्रक्रिया है। आज इस सम्मेलन में आज और कल दो दिन कानपुर और काशी गोरखपुर क्षेत्र के सम्मेलन में हम सबके लोकप्रिय यशस्वी तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आने वाले हैं, और आज उनके आने से कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेगा, बल मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही पहले सदस्य बनता है, फिर कार्यकर्ता बनता है। अच्छा स्वतंत्र जी, 44 सीटें गोरखपुर क्षेत्र में पिछली बार आप लोगों ने जीता था, और आजमगढ़ का इसी भी आया है, तो आजमगढ़ में केवल एक सीट आप लोगों को मिली थी, तो इस बार क्या आप लोगों की तैयारी, क्योंकि इस बार गोरखपुर क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव चुनेंगे, नेता के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे, आदरणीय योगी जी नेतृत्व करना है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आकर मार्गदर्शन करेंगे, और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन से हम सब उत्साहित होंगे, सभी कार्यकर्ता सक्रिय होंगे और उत्साहित होकर अपना अपना बूथ जीतेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति में व्यवसाय करती है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रस्ट कौन चलाता है और देश का निर्माण कौन करता है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत माता की जय जयकार हो रहा है, तारदीन मोदी जी के कारण हो रहा है। पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ रहा है, तारदीन मोदी जी के कारण, और 125 करोड़ प्रदेशवासियों का सम्मान बढ़ता है। चाचा भतीजा मिल गए तो क्या होगा, कैसे मिलेंगे? जिसको दुत्कार कर आप निकाल दिए हैं वो मिलेगा कैसे? जिसको आप मार कर मंच से निकाल दिए हैं, धक्का देकर निकाल दिए हैं, वो कैसे मिल सकता है? ABP News, आपको रखे आगे।